हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो आर्टिकल आया हुआ है NIRF इंडिया रैंकिंग 2018 के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसकी भी रैंकिंग है वो जारी की गई है, उसको लेकर कंटेक्स्ट है वो आया। तो देखो इसमें है किसके लिए, सबसे पहले तो हम इसके लिए ये देख लेते हैं। हमारे देश के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, उनकी रैंकिंग है वो जारी की गई है। भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, उसके आधार पे HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके द्वारा ये रैंकिंग है वो जारी की गई। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि NIRF इंडिया रैंकिंग है वो एक्चुअली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए जारी की गई है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों, इससे ये फायदा होगा क्योंकि एक तरीके से नए बेंचमार्क हुआ, परफॉर्मेंस हुई या जो क्वालिटी हुई ये हायर एजुकेशन के लिए, उन सब के लिए रैंकिंग है वो जारी की गई है ताकि हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो आगे बढ़ सकें। चलो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि रूसा स्कीम किस लिए थी, RUSA रूसा स्कीम के बारे में। देखो हमने 3-4 बार डिस्कस भी किया है, तो रूसा स्कीम के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि रूसा स्कीम किस लिए आई है। इसे मैं भी डिस्कस भी किया था, राइज स्कीम को भी हमने डिस्कस किया था, RIAS स्कीम, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखो जो रैंकिंग जारी की है इसका फायदा हमें होगा कि हमारे देश में तो रिसर्च है वो बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंस्टीट्यूट की क्वालिटी है वो बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ने के बाद वहाँ पे रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, नए इनोवेशन है, नए स्टूडेंट के आइडियाज़ वगैरह को भी कंसिडर किया जाएगा। तो ऑल ओवर ये फायदा होगा कि हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव हो किया जाएगा और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड है वो की जाएंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कोर इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है उसके बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIPA, उसका डाटा है। देखो हर महीने यह डाटा आता है उसको लेके, तो अभी हम इस पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इस पर UPSC दो तरीके के क्वेश्चन पूछती है। एक तो इसमें सिक्वेंस पूछ लेती है कि हाई टू लो की सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सी इंडस्ट्री का है और सबसे कम वेटेज, और एक बार फिर ये पूछ लेती है कि सबसे लो वेटेज कौन सी का, आप इनमें से सिलेक्ट कीजिए। तो हमें इस तरीके से इनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश में 8 कोर इंडस्ट्री हैं। अब आपके दिमाग में आओगे भाई कोर इंडस्ट्री होती क्या है। देखो कोर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्रीज जो हमारे देश की बाकी और भी तरह की जो इंडस्ट्रीज ना उनकी एक बैकबोन है। मतलब जब ये 8 कोर इंडस्ट्री नहीं होंगी तो उसके बिना हम कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी काम हो नहीं कर सकते। मतलब ये जो मेन रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी हुई, जैसे हम एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट हो गए, इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी वगैरह कोई भी प्लांट वगैरह होगा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसके साथ ही स्टील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आधारभूत ढांचा वगैरह क्रिएट करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो स्टील भी इसमें इंक्लूड होता है। इसके साथ कोयला भी इंपॉर्टेंट होता है, तो कोल प्रोडक्शन होगा, फिर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ये भी ध्यान रखना है। देखो पेट्रोलियम रिफाइनरी अलग होती है और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो अलग चीज़ है यहाँ पे। इसके साथ ही नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो भी हो गया, इसके साथ ही सीमेंट का प्रोडक्शन, क्योंकि सीमेंट भी कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और लास्ट में आता है हमारा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो फर्टिलाइजर है इसका वेटेज हमारे देश में सबसे कम है कोर इंडस्ट्रीज में, सबसे कम वेटेज UPSC पूछे तो किसका करना है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसका वेटेज अभी है 2.63, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो आता है हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन का। ये हमें ध्यान रखना कि हमारे देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिफाइनरी सबसे ज़्यादा होती है, उनका वेटेज है 28.04%। तो ये एक बार आप मोटा मोटा इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि UPSC इनके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन वो पूछ चुकी है। तो 8 के 8 हैं वो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि 8 में कौन कौन से आते हैं, तो इनको आप याद रख लेना कि 8 में सबसे पहले आता है हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी आती है, स्टील प्रोडक्शन आता है, कोयला आता है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन आता है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन आती है, सीमेंट आती है और फर्टिलाइजर आता है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सॉरी वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके द्वारा जो IIP के आंकड़े हैं वो हर महीने जारी है वो किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है वो आता है स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट 2017 के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि स्टार्टअप ब्लिंक जो रिपोर्ट है ये एक्चुअली एक तरीके का इंस्टीट्यूट है स्टार्टअप ब्लिंक नाम से, तो इसने क्या अपनी रिपोर्ट है वो जारी की है किस लिए, ताकि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरीके का माहौल वगैरह मिल रहा है जॉब डूइंग बिजनेस वगैरह के अकॉर्डिंग, कि भाई जो भी नए स्टार्टअप्स वगैरह लगते हैं उनको कैसा हर कंपनी में माहौल वगैरह हर कंट्री में माहौल कैसा क्या मिल रहा है, तो उसके लिए रैंकिंग जारी की है। तो उस रैंकिंग में इंडिया को 37वां स्थान है वो मिला है, 125 कंट्री की है रैंकिंग जारी की गई थी, 900 सिटीज उसमें इंक्लूड किया गया है, और इंडिया में न्यू दिल्ली हुआ, बेंगलुरु हुआ, मुंबई हुआ, इनको काफ़ी अच्छी रैंकिंग भी इसमें मिली है। तो मतलब बात यह कि इंडिया में ई जॉब डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे स्टेप उठा रही है, इसीलिए स्टार्टअप लिंक रिपोर्ट में इंडिया को एक्चुअली अच्छा स्थान मिला है, अदरवाइज इंडिया की काफ़ी हालत इसमें खराब रहती थी। तो ये ध्यान रखना है कि स्टार्टअप लिंक रिपोर्ट के द्वारा ही एक डाटा या एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है स्टार्टअप लिंक रिपोर्ट, जो कि हमारे देश में ग्लोबल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उन सबका मैप वगैरह तैयार करती है, और ऑल ओवर काम इसका ये कि भाई स्टार्टअप्स को कैसा माहौल है वो मिल रहा है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखने की इंडिया की रैंकिंग्स में 37वीं है।
चलो आप ये बताइए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि सीवीसी भी प्लान कर रही है कि भाई जो भी हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ना, ये भी काफ़ी कभी बार क्या है करप्शन में संलिप्त हो पाए जाते हैं, तो इनकी भी एक जो अकाउंटिंग वगैरह वो ढंग से जाँच की जाए और जो भी काला धन उन्होंने या जो भी इलीगल तरीके से पैसा कमाया उसको एक्चुअली सामने उजागर किया जाए, तो उसके लिए सीवीसी कुछ स्टेप वगैरह उठा रही है। तो हम देख लेते हैं सीवीसी के बारे में कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या, क्या इसके काम है। काम तो देखो इसका ये कि करप्शन से निपटने के लिए, जो भी फाइनेंशियल करप्शन वगैरह होते हैं उन सब से निपटने के लिए डील है वो करती है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो यह संथानम कमेटी थी, उसके सुझाव के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया था और यह एक स्टेचुरी बॉडी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टेचुरी बॉडी है, 2003 में इसको बनाया गया था, ये हमें ध्यान रखना पार्लियामेंट में एक एक्ट के तहत। अगली बात यहाँ पे क्वेश्चन बनने के हैं वो दो तीन पॉइंट्स ही आते हैं कि अपनी रिपोर्ट किसको पब्लिश करता है। ऑब्वियसली अपनी रिपोर्ट है वो है सबमिट करते हैं, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति को यह अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं। अब बात ऐसी है कि हमारे देश में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है प्लस दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, मतलब टोटल तीन होते हैं। जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन में होते हैं ना कि एक चीफ इलेक्शन कमीशनर होते हैं और दो अतिरिक्त चीफ इलेक्शन कमीशनर, सेम हुई प्रक्रिया यहाँ पे कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, तो ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ आती है बात कि भाई अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट यहाँ पे कमेटी होती है, वो कमेटी सुझाव देती है प्रेसिडेंट को, तभी वो अपॉइंट हो किया जाते हैं। अब जो कमेटी में तीन मेंबर होते हैं कौन कौन होते हैं, सबसे पहले तो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, फिर होम मिनिस्टर साहब, और तीसरे नंबर के होते हैं वो होते हैं लोकसभा में जो विपक्षी दल है, विरोधी दल है उसके नेता। अगर लोकसभा में विपक्ष दल नहीं हो तो लोग जो विपक्षी पार्टी है जो कि सबसे बड़ी मेजोरिटी में होती है उसके हेड को एक्चुअली यहाँ पे विरोधी दल का नेता वो मान लिया जाता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इन तीनों की कमेटी होती है, वो सुझाव देती है, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं। कार्यकाल होता है इनका वो या तो होता है 4 साल कंप्लीट हो जाए तब, अगर अदरवाइज 65 ईयर पहले हो गए तो 65 ईयर तक, ये ध्यान रखना है कि 4 साल और 65 ईयर का इनका टारगेट है। अगला है कि रिमूवल, भाई इनको हटाया कैसे जाता है, इम्पीचमेंट की बात आती है, तो इनको हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कौन सी कंडीशन में। दो कंडीशन है यहाँ पे जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज वगैरह को हटाने के लिए उन्हीं का यूज है वो किया जाता है। सबसे पहला आता है मिसबिहेवियर और दूसरा आता है इनकेपेसिटी, मतलब या तो अयोग्यता के आधार पे या फिर मिसबिहेवियर के आधार पे ही इनको हटाया हुआ जा सकता है। तो दोनों वर्ड भी आपको ध्यान रखना, यूपीएससी इन पर भी कई बार बारीकली क्वेश्चन वो पूछ लेती है। संथानम कमेटी के सुझाव पे बनाई गई थी, रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, एक मैन होते हैं प्लस दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, कमेटी होती है 3 मेंबर की, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लोकसभा के विरोधी दल के नेता। कार्यकाल होता है वो होता है 4 साल या 65 ईयर। इसका रिमूवल होता है प्रेसिडेंट के द्वारा कौन सी कंडीशन में, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी में। हो गया कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल हुआ है समृद्धि के बारे में, जो कि है द वर्चुअल असिस्टेंस के बारे में। वर्चुअल असिस्टेंस क्या होता है थोड़ा हम देखते हैं। देखो जब भी आपको ध्यान होगा कि हम कोई वेबसाइट वगैरह कई बार विजिट करते हैं तो वहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आता है कि मे आई हेल्प यू, फिर जब भी हम वहाँ पे हमारा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन टाइप करते हैं, मतलब बेसिक से क्वेश्चन जो कि नॉर्मल लोग क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड, तो वो हमें क्या कि एक तरीके से ऑटो रिप्लाई मिलता है हमको कि हाँ आप ये कीजिए वो कीजिए। तो जो ऑटो रिप्लाई वाला सिस्टम होता है वो होता है एक्चुअली से वर्चुअल असिस्टेंस, मतलब हम बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आम आदमी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, इससे कुछ भी पूछते हैं तो वो एक बेसिक से रिप्लाई होते हैं, वर्चुअल एक तरीके से आभासी असिस्टेंट होता है, मतलब कि हमें नॉर्मल से जो रिप्लाई होते हैं उसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में पहले फीड कर दिए जाते हैं कि भाई लोग अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका रिप्लाई ये देना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसकी रिप्लाई ये देना है। तो इस तरीके से समृद्धि है वो एक तरीके से एक वर्चुअल असिस्टेंस है वो बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया ये हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है हमें। देखो यह बनाया गया सिडबी के द्वारा। सिडबी क्या है, सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है कि एक प्राइवेट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के द्वारा और जिसका हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। तो सिडबी था ना, इसका एक्चुअली फाउंडिंग डेट था 2 अप्रैल को, यह 2 अप्रैल 1990 को बनाया गया था एक्ट के तहत, गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के एक्ट के तहत। सिडबी को काम क्या है, सिडबी का काम यह है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करना, इसके साथ ही जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं एक तरीके से MSMEs को वो प्रोवाइड करना, इसके साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको प्रमोट करना, कोऑर्डिनेशन लाना उनके बीच में, इसके साथ जो MSMEs है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी सपोर्ट करना, उनको सप्लाई। मतलब मेन बात यह है कि हमारे देश में फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देने के लिए सिडबी है उसका निर्माण है वो किया गया था 2 अप्रैल 1990 को। तो अभी उसका 2 अप्रैल थी तो उस टाइम पे उसकी यूनिवर्सिटी दिया फाउंडिंग डे था, तो उसी मौके पे उन्होंने एक समृद्धि नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंस है वो बनाया था। तो हमें ध्यान रखना कि समृद्धि है वो सिडबी का एक वर्चुअल असिस्टेंस है। ये थी हमारी कंप्लीट जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए।
नेक्स्ट जो छोटा सा आर्टिकल है वो है मलेशिया के बारे में। कंटेक्स्ट ये है, बस आप ध्यान रख लेना कि मलेशिया है वो एक ऐसी कंट्री बनी है जिसने फेक न्यूज़ को बैन करने के लिए वहाँ पे एक्ट है वो बना दिया है। मतलब वहाँ पे आप कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह फैलाते हैं सोशल साइट्स या कहीं पर भी, तो उसको 6 साल की सज़ा हो सकती है या फिर उसके अकॉर्डिंग और भी सज़ा के प्रावधान है वो किए गए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, उसमें मलेशिया ने ऐसा स्टेप है वो उठाया कि भाई इससे इंडिया को भी कुछ सीखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल आया है वो है एडोबे हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि देखो एडोबे हेरिटेज प्रोजेक्ट है ना, इसको लेके ही एक्चुअली अभी ताजमहल है उसकी बिल्डिंग स्टार्ट करने की बात है। क्योंकि देखो पहले ताजमहल को एडोबे हेरिटेज प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि ताजमहल की इंपॉर्टेंस वो बहुत ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट इसे मॉनिटर रेगुलेट वगैरह करती थी। बट अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव अनुमति दे दी कि हाँ भाई चलो ठीक है, ताजमहल को भी आप एडोबे हेरिटेज के तहत इंक्लूड कर सकते हो। तो कंटेक्स्ट है वो, तो बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एडोबे हेरिटेज प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। यह जो प्रोजेक्ट है यह मेरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के दौरान लास्ट ईयर सितंबर 2017 को। तो 27 सितंबर 2017 को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है और उसी दिन यह जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग वो की गई थी। अब है क्या, देखो बात ऐसी है कि यह जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक तरीके का इनिशिएटिव है किस किस का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अकेली नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलो आप ये बताइए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो किसके द्वारा बनाया गया था और आज़ादी से पहले बना था या आज़ादी के बाद, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब क्यों बनाया गया था यह जो एडोबे हेरिटेज प्रोजेक्ट, यह इसलिए लाया गया था ताकि हमारे देश के जो हेरिटेज साइट हैं, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह स्मारक वगैरह हैं, उनको एक्चुअली टूरिज्म फ्रेंडली बनाया जा सके और कोई भी प्राइवेट या कोई भी पब्लिक, कोई भी मतलब गवर्नमेंट बॉडी भी, गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी बॉडी वगैरह हो सकती है जो एक हेरिटेज को प्रोजेक्ट एडोप कर लेगी और फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन वगैरह करेगी, कंजर्वेशन में फोकस करेगी और वहाँ पर अपना थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कर सकती है। तो उससे क्या होगा कि हमारे स्मारक हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा वो भी की जाएगी और उनके पोटेंशियल को भी यूज़ किया जाएगा और टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि देखो जब भी अगर कोई प्राइवेट बॉडी या कोई इंस्टीट्यूट है अगर उसको उस हेरिटेज साइट को अगर एडोप्ट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करेगा ताकि वहाँ पर लोग आएँ और उसका खुद की भी पब्लिसिटी हो। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग है वो की गई है। इसमें हमें एक ये ध्यान रखनी है कि इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई प्राइवेट भी हो सकता है, कोई भी इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है और हेरिटेज को एडोप्ट कर सकता है। इसके साथ ही एक वर्ड और आता है, वो आता है मोनूमेंट मित्राज। मोनूमेंट मित्राज का मतलब वही होता है कि देखो जब भी कोई हेरिटेज को एडोप्ट करना होता है ना तो उसके पहले बिडिंग लगती है, तरीके से बोली लगती है कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसी को हेरिटेज साइट वो एडोप्ट के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से जो विजन कमेटी होगी ना वो यहाँ पे मोनूमेंट मित्राज के नाम से जानी जाएगी। मतलब मोनूमेंट का एक तरीके से काफ़ी क्लोज है वो, इसलिए उसको मोनूमेंट मित्रा के नाम से जाना जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मोनूमेंट मित्रा है वो एक्चुअली एडोपे हेरिटेज के अंतर ही जो भी हेरिटेज साइट को एडोप्ट किया जाएगा तो उसके जो विजन कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी हाँ भाई इसकी सबसे ज्यादा बिडिंग दी है उसको एक्चुअली मोन्यूमेंट मित्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट न्यूज। एक्चुअली कल द हिंदू डिस्कशन नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैं हो सकता है कि आज हम जो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन है वो आज हम आगे कंटिन्यू है वो रखेंगे। तो सॉरी फॉर दैट। और फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, और जो PDF है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, कल मैं एक्चुअली PDF अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और उसमें आपको आज की PDF, कल की PDF और उससे फर्स्ट डे की PDF वो भी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।